नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे साबूदाना चूड़ा। दोस्तों, ये साबूदाना चूड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो फल्ली दाने होते हैं इन्हें भूंज लेंगे, और भूनने के बाद में ना हम इसके पूरे छिलके निकाल लेंगे। और छिलके निकालने से क्या है, एकदम साफ साफ चूड़ा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हम लोग पूरे फल्ली दाने भूंज कर, भूनने के बाद में ये अपने थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में पूरे हम लोग ऐसे छिलके निकाल लेंगे। और छिलके निकालने के बाद में फिर हमें ना इसमें आलू भी मिक्स करना है। तो आलू को छील कर हम लोग किसनी से लंबे लंबे पूरे कीस लेंगे, और किसने के बाद में फिर देखेंगे कि हमें इसमें थोड़ा दो चार मिर्ची भी काट कर डालना है, क्योंकि थोड़ा सा तीखा रहेगा, चूड़ा तीखा ही होता है, और तीखा रहने से क्या थोड़ा सा उपास रहते हैं ना, तो मुँह का टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा मिर्ची वगैरह भी इसमें डाल देंगे। और ये किसनी से हमने पूरे आलू किस लिए है, और किसने के बाद में ना हम लोग इसमें लगभग 3-4 पानी से इसको पूरा धुल लेंगे, और धुलने के बाद में इसको अच्छा चलने में छान लेंगे, और छानने के बाद में इसको ना थोड़ा सा हम लोग उसका जो पानी होता है पूरा स्टार्च निकाल कर सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि मेरा कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है, तो ये जो हम लोगों ने जो तलने वाला जो साबूदाना होता है तो वो साबूदाना हम लोग इसमें तलेंगे। तो ये हमें साबूदाना ना एक मध्य आँच पर नहीं तलना होता है, हमें तेज आँच पर ही तलना होता है, और जब तक के वो पूरा फूट न जाए, अच्छे से फूल न जाए, तब तक के हम लोग ना इस साबूदाने को तलेंगे। और साबूदाने को तलने के बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने आलू जो किसी है वो आलू किसनी भी हम लोग इसमें अच्छे से तल लेंगे। और तलने के बाद में फिर हम लोग इसका चूड़ा बनाएंगे, और बहुत टेस्टी भी लगता है। और अधिकतर हम लोग क्या है उपवास के समय में ही चूड़ा बनाते हैं, वैसे अगर नॉर्मली भी अगर हमको अगर बनाकर खाना है तो हम लोग खा सकते हैं शौक के तौर पे, लेकिन अभी क्या उपवास चल रहे हैं तो उपवास के समय में हम लोग अधिकतर बनाते हैं, और 9 दिन उपवास रहता है उसकी वजह से हमें ये चूड़ा बनाना होता है। और बनाने के बाद में हम लोग ना 9 दिन तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आलू जो हम लोग इसमें तल लेते हैं, और तलने के बाद में इतनी अच्छी कुरकुरी हो जाती है, और कुरकुरी होने के बाद में 9 दिन तक आराम से हम लोग इसको पैक करके रख सकते हैं, और जैसा भी जब भी हमारा मूड हो हम लोग इसको खा सकते हैं। तो ये हमारी आलू वगैरह भी पूरी तलकर रेडी हो चुकी है, और अब इसके बाद में हम लोग बनाते हैं। इसमें जो फल्ली दाने हमने जो साफ किए थे, छिलके निकाल लिए थे, तो इसको भी थोड़ा हम लोग तेल में गरम कर लेंगे। तेल में गरम करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा जो कच्चापन रहता है ये अच्छे से पक जाएगा। तो ये हमारे फल्ली दाने भी पूरे आराम से पक चुके हैं, और इसको मैंने निकाल ली है। और निकालने के बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि चूड़ा किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें हमें जो कटी हुई मिर्ची है तो वो मिर्ची डालना है, और उसके बाद में सिंपल सा चूड़ा है और बहुत जल्दी 10 मिनट में ही रेडी हो जाता है ये। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, क्योंकि स्वाद बढ़ जाता है जीरे से, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। और जीरे के बाद में हम लोग फिर जो हमारी हरी मिर्ची कटी हुई थी बारीक वो हम लोग डाल देंगे, और ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज हो जाएगा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ने हरी मिर्ची वगैरह भी डाल दी है, और इसमें जो नमक डालते हैं हम लोग उपवास के लिए, तो वो उपवास का जो अलग ही नमक आता है, तो वही नमक हमें इसमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे से ये हमारा चूड़ा बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाता है, और मैंने बताया ना कि ये हम लोग इसको आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं, और इतना टेस्टी भी लगता है और देखने में भी इतना अच्छा लगता है ना दोस्तों, बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये आज का मेरा ये चूड़ा रेसिपी साबूदाने की आलू मिक्स आप लोगों को कैसे लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो चूड़ा है ना बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू, नमस्कार, जय भीम।